हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम गोवा का चौथा दिन के मॉर्निंग में जिस होटल में ठहरे थे वो होटल का आपको के बारे में डिटेल जान गएंगे। होटल का नेम है डी फैल्कॉन गोवा बीच रिसोर्ट्स, ए यूनिट ऑफ ड्रीम ब्लू होटल्स। 3.5 स्टार होटल्स का रेटिंग है। यहाँ पे आपको वाईफाई, मुफ्त नाश्ता, आउटडोर पूल, पार्किंग की व्यवस्था है। और हम होटल के ओनर से बात करते हैं। आपका भी यदि गोवा का प्लान बना तो डी फैल्कॉन गोवा बीच रिसोर्ट्स कंडोलियम बीच में रुकिए और हमारे चैनल का रेफरेंस दीजिए तो आपको कुछ रियायत मिलेगी। होटल का कॉन्टेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ये सामने देख रही गैलरी, हमारा रूम नंबर 104 था, जिसको आपको बताएंगे। हमारे रूम में सारा सामान फैला हुआ है। ये आप गैलरी चल रहे हैं, आगे जाने के बाद में आपको स्विमिंग पूल मिलेगा। ये हमारा कमरा 104 नंबर का, जहाँ पे हम ठहरे थे। वाशरूम कितना साफ, न्यूली कंस्ट्रक्ट होटल्स है। और एसी के रूम में फर्स्ट क्लास कमरे चौड़े हैं, जिसका हमें 2 दिन का किराया पड़ा था 4,300 के आसपास। रूम भी देख रहे, साफ सफाई, क्लीनिंग वेल डन। और ये हम चल रहे अब गैलरी में, आगे चल के स्विमिंग पूल भी है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे आप अपने फैमिली में बच्चों के साथ में स्विमिंग भी कर सकते हैं, एक एंजॉयमेंट हो जाएगा। और आपको होटल में वाईफाई, आउटडोर पूल, पार्किंग की भी जानकारी है। रेस्टोरेंट है, स्विमिंग कीजिए और अपना रेस्टोरेंट में नाश्ता कीजिए। इस समय पूल क्लोज है। इस होटल का एड्रेस है अगुआ फोर्ट, अगुआ का किला। 17वीं शताब्दी का एक अच्छी तरह से संरक्षित पुर्तगाली किला है, जिसमें एक लाइट हाउस भी है, जो भारत के गोवा में सिक्रिम बीच पर अरब सागर के दृश्य के साथ खड़ा है। यह गोवा में राष्ट्रीय महत्व का एक ASI संरक्षित स्मारक भी है। दोस्तों, आपको अगुआ किला का इतिहास घूमने की जानकारी के साथ ही आपको अगुआ किले के बारे में कुछ इतिहास की जानकारी बता देते हैं। किला गोवा राज्य की राजधानी पणजी से 18 किलोमीटर दूर अरब सागर और मांडवी नदी के संगम में अगुआ किला स्थित था। किला अब लुप्त हो चुका है। वर्तमान समय में गोवा शहर में अगुआ किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक केंद्र माना जाता था। उसका निर्माण कार्य पुर्तगालियों के द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। यह किले का नाम पुर्तगाली शब्द अगुआ से शब्द भ्रंश हुआ था। वहां से नाव चलाने वाले नावियों के लिए एक पानी का स्रोत के रूप में कार्य करता था। यहां एक जेल भी है, जिसका नाम अगुआड़ा जेल है। अगुआड़ा किले का निर्माण 1609 में शुरू हुआ और 1612 में उसका निर्माण पूर्ण हुआ था। उस समय वायसराय रूसू तवारा का शासन काल चलता था। पुर्तगालियों ने मराठों और डच से अपने बचाव के लिए मंडोवी नदी के तट पर कंडोलियम नगर के दक्षिण में यह किले को बनाया था। यह किला सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक के खुला रहता है। यह आप देख रहे हैं।
अगुआ किला गोवा शहर का एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यहाँ पर 2001 में रिलीज हुई दिल चाहता है फिल्म के प्रति प्रसिद्ध दृश्यों के कारण इसे अपनी वर्तमान पहचान मिली। सैफ अली खान, आमिर खान, अक्षय खन्ना, अभिमित तीन दोस्तों की कहानी थी। यह आप देख रहे हैं अगुआ किला। अगोड़ा फोर्ट के नक्शा बना हुआ है, यहाँ आप नक्शा देख सकते हो। अगोड़ा फोर्ट का किले नक्शा है। अगोड़ा फोर्ट यदि आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। वीडियो पसंद आए तो बेल बटन को पुश कर ऑल के घंटे पे प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। धन्यवाद। 1864 में निर्मित किया गया अगुआ किला लाइट हाउस एशिया के सबसे पुराने लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ में से एक है। प्रकाश स्तंभ एक चार मंजिला प्रकाश घर है जो आप ये देख रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद जगमगाती है और उसके आसपास का दृश्य बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। यह लाइट हाउस फोटोग्राफी करने वाले पर्यटकों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। प्रकाश स्तंभ को जहाज़ों को सुरक्षित बंदरगाह देने के लिए उपयोग किया जाता है। अगुआ किले का इतिहास बताएं तो अगुआडा किला भारत में सबसे अच्छा पुर्तगाली किला है। उसको पुर्तगालियों के द्वारा निर्मित किया गया था। सिंकुरियम बीच के पास स्थित अगुआडा किला का निर्माण कार्य 1609 में शुरू हुआ और 1612 में उसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। उस समय वायसराय सुयू तवारा का शासनकाल चलता था। पुर्तगालियों ने मराठों और डच से अपने बचाव के लिए मंडोवी नदी के तट पर कंडोलियम नगर के दक्षिण में यह किले को बनाया था।
हेलो गुड मॉर्निंग, आज हम आपको गोवा के प्रमुख पर्यटक स्थलों में अगवा किला का एक प्रमुख स्थान है जो कि पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। यह किला अगवा बीच के नज़दीक है जो इसके आकर्षण में चार चांद लगाने का कार्य करता है। दृश्य बहुत ही आकर्षित है। यह अरब सागर और मांडवी नदी के संगम को देखता हुआ प्रतीत होता है। अगवा किले का निर्माण पुर्तगाली के द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। गोवा सिटी में यह स्थित खूबसूरत किला पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। यदि आप भी गोवा जाते हैं तो इस मनमोहक किले को घूमना न भूलें। इस किले का नाम पुर्तगाली शब्द अगवा से लिया गया और यह स्थान नाविकों के लिए ताजे पानी का स्रोत है। यह एक एशिया की मीठे पानी के जलाशयों में से एक है। हाँ, अगवा किले को अगवा जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अपने पुराने दिनों में किला एक मुख्य पहाड़ी हो सकता है, लेकिन आज यह पर्यटक के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल बन गया है। हाँ, जेल थी ना पुरानी, जेल को ही तो कन्वर्ट किया हुआ है। ये तो रहता ही है नाला बना के किलों पे। ये इनका हुआ सेटेलाइट समुद्र वालों का, समुद्र की रखवाली के लिए है। कोस्ट गार्ड का होगा, कोस्ट गार्ड रहता है। Thank you.